मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, झगड़ा मैंने नहीं किया था। एक्सक्यूज मी, मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ तो गुस्सा आ रहा है तो गोली दाग देगा, सूली पे टांग देगा तू। अरे सूली, अरे मैडम यहाँ हो गई है इमोशनल वसूली, मुझे गुस्सा आ रहा है। ओ अंकल, किस पे गुस्सा आ रहा है आपको, पड़ोसन के जीजा पे या अड़ोसन के मंगेतर पे? अड़ोसन पड़ोसन के अलावा कोई फोकस, एम, एम्बिशन, गोल है लाइफ में थारा? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम एक महापुरुष ने कहा है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। कौन है वो महापुरुष, प्रेम चोपड़ा या शक्ति कपूर? क्या है, कौन दिला रहा है गुस्सा? बाप। किसका, आपका? अरे मेरा बाप मुझे गुस्सा क्यों दिलाएगा? अरे तो किसका बाप दिला रहा है? अंकल जी जरा खुल के बताओ कौन गुस्सा दिला रहा है आपको? इस समय तो आप दिला रहे हैं। मुझसे कम से कम 3 साल उम्र में बड़े होंगे और मुझे बार बार अंकल बुलाए जा रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे बस ओए, अरे डैडी बात करने कुछ आए थे, आप कहाँ भिड़ गए हो, मुद्दे की बात करो ना, अरमान मचल रहे हैं। चुप रहो वरना मैडम ले लेंगी एक्शन। फटाफट दो अपना अपना इंट्रोडक्शन। ओके बाय। अच्छा ठीक है मैडम, हम हैं पंखा। कौन सा, टेबल वाला कि सीलिंग वाला? मैडम वो पंखा नहीं, हमारा नाम है पंखा हिंदुस्तानी, मुझे गुस्सा आ रहा है। और यो कौन है, बल्ब? बल्ब नहीं नहीं मैडम, नमस्ते, हम हैं बदकिस्मती से इनकी पत्नी हुस्न कला हिंदुस्तानी, मटक मटक के। ओहो पापी जी, हुस्न भी कला भी, क्या बात है। कैरी ऑन। ये लौंडा कौन है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है? मैडम मेरा नाम है टुल्लू हिंदुस्तानी और हमारी शादी यहाँ पर एक लड़की है, उसका नाम है चीनू, और पिछले 3 महीने से दिन रात लगातार हम फोन पे बातें कर रहे हैं। तभी घर के फोन का बिल 10-10 हजार रुपए आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। ए जी कंट्रोल कर लो अपना गुस्सा, खबरदार हो तुमने हमारे टुल्लू का कुछ कहा। अरे अपने आप को अनुपम खेर समझते हैं, आए पड़े कर्मा कहीं के। अंकल आंटी मैडम मैं आपको बताता हूँ, दरअसल हम लोग हैं अलीगढ़ से और चीनू है यहाँ की, तो हम लोग वहाँ से बारात लेके ट्रेन में बैठकर यहाँ के लिए निकले और टिकट ना होने की वजह से तुम लोग पकड़े गए। यार तैने हर किसी को अपनी तरह जो है काइया समझ रखा है। कंटिन्यू। मैडम अरमान मचल रहे हैं। मैडम जब ट्रेन से हम लोग यहाँ पर आए और लड़की वालों के घर गए तो लड़की के बाप यानी चीनू के डैडी ने शादी से इनकार कर दिया, अरमान मचल रहे हैं। अरे यार लेकिन जब बारात जो है सज धज के पहुंच गई है, शादी फिक्स है, वेन्यू पे सब जो है रेडी आके खड़े हैं, तो काहे जो है शादी कैंसिल हुई है? अरे ये खड़ा है ना डैडी, अब डैडी के गुस्से की वजह से, इनका गुस्सा बहुत तेज है, इनको गुस्सा आता रहता है, सब किए कराए पे पानी फेर देते हैं जब देखो जब। अंकल के कह रहा है लौंडा? अरे मैडम ये तो फर्जी है। मैडम हुआ ये कि हमने लड़की वालों को 250 बारातियों की लिस्ट दी थी लेकिन हम पहुंचे सिर्फ 3, इसलिए लड़की का बाप अड़ गया, जड़ से उखड़ गया और अब हमसे बार बार कह रहा है कि बाकी के 247 लेके आओ तब शादी करूंगा अपनी लड़की की। मैडम मुझे गुस्सा आ रहा है। ये क्या बात हुई, मतलब लड़की की शादी लड़के से करवानी है 247 बारातियों से? यार इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि ये छोरी का बाप कौन है यार, जो अपनी ही छोरी की शादी करवाने में एकदम इंटरेस्टेड ना है। छोरी के बाप ने बुलवाओ जरा। ओहो तो तू हो रहा है बाबुल की दुआएं, फादर छोरी का बाप,
जी हाँ, मैं हूँ चीनू का फादर, मध्य प्रदेश। मैं नहीं मानूंगा। मध्य प्रदेश? अरे वो अंकल, अपना नाम बताओ, स्टेट नहीं, मध्य प्रदेश। अरे यार, नाम बता रहा हूँ, कोई एड्रेस तो नहीं लिखा रहा हूँ। अरे हमारा नाम है मध्य प्रदेश मिश्रा। मैं नहीं मानूंगा। अबे वो किसने रखा है नाम मध्य प्रदेश? अरे हमारे पिताजी ने, यानी कि यूपी मिश्रा, यानी कि उत्तर प्रदेश मिश्रा। मैं नहीं मानूंगा। और आपकी मम्मी का क्या नाम है? सिक्किम? अरे नहीं, अरे हमारी माता जी का नाम है दिल्ली देवी। हमारे दो भाई हैं जम्मू और कश्मीर, और एक बहन है उड़ीसा। मैं नहीं मानूंगा। तो भैया, बेटी का नाम रखने में इतना भेदभाव क्यों करा है चेनू? नहीं, बात दरअसल ये है ना मैडम, कि प्यार से हम लोग उसको चिन्नू कहते हैं। उसका जो असली नाम है वो है चीन। और हमारे तीन बेटे हैं नेपाल, भूटान और जापान। मैं नहीं मानूंगा। यार घनी जो है टूर एंड ट्रेवल किस्म की फैमिली है तुम्हारी। वैसे जब छोरी को छोरा पसंद है और छोरे को छोरी, तो तू काय कर रहा है सीना जोरी? वाह 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 मैडम, वाह वाह, इरशाद इरशाद इरशाद। भाई जब शादी हो गई है फिक्स, तो तू क्यों लगा रहा है सेक्स? वाह मम्मी जी, कैरी ऑन। वाह वाह मैडम, वाह वाह वाह। भाई जब बारात आ गई है दरवाजे, तो तू क्यों बजने ना दे रहा है बैंड बाजे? हुजूर हुजूर, कमाल है कमाल है, वाह वाह वाह। अरे मैडम, ये बात आप इनसे पूछिए। देखिए मैडम, मैं बड़ा उसूलों वाला आदमी हूँ, और हमारी जब इनसे बात हुई थी, तो इन्होंने हमसे कहा था कि मैं 250 बाराती लेके आऊंगा। तो हमने उतने लोगों का खाने का इंतजाम किया। अरे लेकिन मैडम, ये तो सिर्फ 3 लोग आए। मैं नहीं मानूंगा। अरे ये तो अपनी जबान से फिर गए हैं। अरे लेकिन अंकल, जिसकी शादी होनी है वो तो आया है ना। हाँ, अरे लेकिन 247 कहाँ गए? अरे भाई, जिनके लिए इतना खाना बनाया है तो कौन खाएगा? देखिए मैडम, हमने सारा खाना जो है वो फ्रिज में रख दिया है, और जब 247 बाराती आएंगे और वो सारा खाना खाएंगे, तब जाके शादी होगी। हाँ, और मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं बड़ा उसूलों वाला आदमी। क्यों भाई मूछमैन? अबे जब तैने कही थी 250 बाराती लाएगा, तो कहाँ है 247? अलीगढ़ में थारे घर के बाहर चौकीदारी कर रहे हैं क्या लठ लेके? बात ऐसी है। डैडी आप चुप रहो ना, मैं बता देता हूँ ना। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैडम दरअसल बात यह है कि अरमान मचल रहे हैं। ये जो मेरे डैडी है ना, ये एक नंबर के लड़ाकू विमान है ना डैडी। और गुस्सा जो है वो इनकी मोटी नाक पे हरदम बैठा रहता है ना डैडी, है ना। तो इन्होंने हमारे बिरजू भैया से कई साल पहले लड़ाई कर ली थी। हाँ की थी आपने? तो उस लड़ाई की वजह से कोई भी रिश्तेदार मेरी शादी में नहीं आ रहा है। अरमान मचल रहे हैं। पड़ गई ठंडक तुम्हारे कलेजे को? हाँ, और ना पड़ी हो तो और जाकर लड़ लो बिरजू भैया से मटक मटक के। हाँ, जबकि जानते हैं ये जानते हैं कि सारा खानदान बिरजू भैया की कितनी इज्जत करता है मटक मटक के, लेकिन नहीं, इन्होंने पंगा ले लिया उनसे। अरे ये अपने आप को सलमान खान समझते हैं। आए बड़े दबंग पार्टू कहीं के। हु इज दिस बिरजू? कौन है बिरजू भैया जिसका इतना होल्ड और कमांड हो रहा है मेहमानों पे कि बाराती आ ना रहे हैं? हाँ? बुला जा बिरजू ने, मैं भी देखूं कैसे नजारा शादी में। ना मैं ना जाना, मैं ना जाना तो किसी ने ना जाना, क्योंकि सबने है ये माना, जहां बिरजू भैया ने जाना वहां सबने जाना, वरना किसी ने ना जाना। अबे पर क्यों ना जाना? बताना मैडम, आपको सब बताना, आपसे कुछ ना छुपाना, क्योंकि आपसे छुपाना तो कैसे बताना।
और बताना तो क्यों छुपाना। हाँ तो आप बताओगे भी कि यही करते जाना। Yes! याद है मुझे आज भी वो जमाना जब धर्मवीर लगी हो ना और इनका एक शादी में जाना और हमारा भी उसी शादी में जाना और नाश्ते के वक्त हमारा गलती से इनका चाय पी जाना क्योंकि ये गए थे गुसल खाना। अरे लेकिन चाय पी तुमने? अरे वैसे कौन सी चाय थी यार, मतलब विच टी वाज इट? वाज इट मसाला टी और अर्ल ग्रे टी या फिर अदरक वाली चाय? अबे तू ऐसा है, तू चाय में घुस जा, अदरक की गांठ बन के उबल जा तू। तू बोल। हाँ मैडम, हमारा ये पता ना होना मैडम कि वो चाय इनकी होना, अपनी चाय समझ के हमने पी जाना और इनका वहाँ आना, ये जान जाना और फिर चीखना चिल्लाना, बस वही हमें गुस्सा आ जाना। उस दिन से बंद कर दिया इनके घर आना जाना, और बिरजू भैया ने बंद किया आना जाना, तो सबने बंद कर दिया आना जाना। अबे ओ झबुए, देख भाई ऐसा है, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसे पर्सनली सॉल्व करो। फिलहाल छोरा और नाम क्या है छोरी का? चीनू। हाँ चीनू भाई, चीनू की और छोरे की शादी होने दे। और अपने रिश्तेदारों ने तू घना सबका जो है हीरो हो रहा है ना, शादी में जा खुद भी और सबको फोन करके कह शादी में आने को, ताकि बाकी के 200 जो है 47 रिश्तेदार शादी में आए, फ्रिज में रखा खाना खाएं और शादी संपन्न हो। अरे बिरजू भैया समझा करो ना, अरमान मचल रहे हैं। मैडम हमने किसी को फोन ना करना मैडम, और अब हम यहाँ से सीधा डार्लिंग सिनेमा हॉल जाना, क्योंकि वहाँ धर्मेंद्र की नई फिल्म का लगना, धर्मेंद्र हमारा फेवरेट हीरो होना हमारी कमजोरी होना। अबे इसकी बेचारे की जो है ड्रीम गर्ल हेमा धन्नो पे बैठ के भगली है, और तैने धर्मेंद्र की पड़ी है बिल्कुल ही। ओ महाराज मान जाओ यार, हो जाने दो बच्चों की शादी, फिर गेट कदर करेंगे, लगाएंगे दो दो। ना मैं ना मानना, और अब मैं यहां से सीधा सिनेमा हॉल जाना, वरना टिकट ना मिलना। अरे क्या है? ए, हाँ देखो अब मैं भी जा रहा हूँ, और जब 247 बाराती मिल जाए तो लेके आना, मैं नहीं मानूंगा। मत मानो यार। अरे पंखा अंकल, आपके खानदान में सब पागल हैं क्या? सब ये बिरजू की सुनते हैं बस। खोलना जबान। बोलिए ना, कुछ पूछ रहे हैं आप? दरअसल बात ये है कि इसकी पिछली 5 पीढ़ियों का रिकॉर्ड एकदम क्लीन है, एक भी दाग नहीं है इसके दामन में, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। दामन पे दाग ना आया तो दाग लगवाओ, ताकि दाग धुलवाने के लिए वो हमारे सामने गिड़गिड़ाए। मैन इन ब्राउन गेट टू वर्क। 5 का 10 बोलिए, कितने आदमी है? 5 का 10 टिकट तो मैं लेना। टिकट लेना है? 50 का 100 मिलेंगे, जल्दी बोलिए कितने आदमी है? अरे टिकट तो है लेना, पर ब्लैक में नहीं लेना। देखिए ऐसा है, धर्म जी पूरा जोश में है, 3 दिन तक हाउसफुल जाएगी पिक्चर, फिर कट रहेगा ब्लैक व्हाइट ग्रीन येलो। चलिए भाई। अरे रुके रुके एक मिनट, ये 500 का नोट लेना और टिकट के साथ छुट्टा देना। एक टिकट है क्या? हाँ तो लीजिए, 100 रुपए का एक टिकट, और 400 रुपए हम आपके छुट्टा लेके आते हैं। अरे अरे रुको, तुम छुट्टा लेके नहीं आना तो हम किधर जाना? देखिए भैया ऐसा घोर कलयुग आ गया है कि बिल्कुल भी जो है इंसानियत नाम पे भरोसा ही नहीं है, अब कहाँ से 500 छुट्टा हमारे गरीब आदमी। चलिए काम कीजिए, हमारे जो है 50 का गड्डी है, ये 50 टिकट का, हम आपका छुट्टा लेके आते हैं, आप हमारा गड्डी संभालिए। और देखिए अगर कोई टिकट लेना है तो 100 से 1 पैसा कम में नहीं दीजिएगा, ज्यादा माल है इस गड्डी में आपके, 500 के नोट से अभी आ रहे हैं छुट्टा लेके। लेकिन हम टिकट कैसे देना? तुम्हारे पास एक टिकट रहेगा क्या? नहीं नहीं। अरे एक टिकट यार, एक टिकट रहेगा। अरे इतना ये है ना, एक टिकट देना। कितने का एक टिकट? 100 का। 100 है ना मेरे पास तो। तेरा एक टिकट। पुलिस पुलिस। टिकटें ब्लैक करते हो, तभी तुम्हें जाने की जल्दी थी। यू आर अंडर एस्टिमेट अंकल। अंडर अरेस्ट बोलना। वेल चलो मेरे साथ। अरे लेकिन वो टिकट है। अरे है
अंकल आपको गलती होना है। तो पेड़ मारूंगा कान के नीचे अंकल बोला तो। मम्मी जी, अबे क्या हो गया, इसे क्यों धरला है? मम्मी जी, मैंने इसको रंगे हाथों पकड़े टिकट ब्लैक करते हुए। मैडम हम बेगुनाह होना। अरे यार क्या कर दिया तैने भाई, हमें तो जो है रूमर्स यो पता लगा था कि थारा जो है आंचल एकदम साफ है, चुनरी में कोई दाग नहीं है, दामन इज क्लियर है, लेकिन यहाँ तो जो है बहुत धुलाई की जरूरत पड़ेगी। इब तो भैया केस बनेगा, तू जेल जाएगा, जेल जाएगा तो जो है न्यूज अखबार में छपेगी फोटो समेत। फिर जो है कितने रिलेटिव हैं, 247, बस 247 रिलेटिव्स के सामने इज्जत का कचरा, फिर कोई नहीं सुनेगा थारी बात। नहीं नहीं मैडम ऐसा नहीं करना। तो फिर तुम वही करना जैसा मैडम कहना। देखो भाई ऐसा है कि कहने और करने की बात तो यो है कि हम चाहें तो तू भैया जेल भी ना जाएगा, थारी कोई फोटो वोटो भी ना छपेगी, कोई केस ना बनेगा और थारी इज्जत इंटैक्ट रहेगी अपने रिलेटिव्स के सामने। लेकिन उसके लिए तैने जो है अपनी वो जो स्टूपिड सी फाइट हुई है ना चाय के ऊपर टी के ऊपर की, जो क्लास 3 के स्टूडेंट्स करा करे क्वारल्स, वो जो है यही खत्म करना होगा। उससे पंकज हिंदुस्तानी से दोस्ती करनी होगी क्योंकि वो थारे से दोस्ती करने के लिए रेडी है। इब तू बोल तू रेडी है या नहीं, वरना तो भैया केस बनाए हम रजिस्टर लाओ। मंजूर होना। गुड बॉय। हाँ जी पाजी पापी जी आ जाओ जी बाहर आ जाओ। लो चाय भी आ गई। अब यही वो चाय है ना जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच दुश्मनी हुई थी। अब ये चाय एक दूसरे को पिलाओ और दोस्ती करो। पिलाना पिलाइए ना, फिर डैडी ठंडी हो जाएगी। फिर क्या मुझे माफ कर दो बिरजू, अब मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। चाय पियो। हाँ। एक बार हाँ। टी टोटलर फ्रेंड्स यार। गुड गुड वेरी गुड। तुम भी पीना हो ना। मुंह में अब बन गए ये मेरे आमिर खान, मटक मटक के आए बड़े गजनी कहीं के। बिरजू भैया अब जल्दी से ना सारे रिश्तेदारों को फोन करके बता दो कि आपने चाय पी ली है और आप मेरी शादी में आ रहे हो, ताकि सारे रिश्तेदार भी मेरी शादी में आ जाएं और मेरी शादी हो जाए। अरमान मचल रहे हैं। क्या फोन नहीं लगा रहा है तो केस बनाओ या रजिस्टर लाओ। नहीं नहीं मैडम अभी फोन करना और मैं सबको बताना कि मैं शादी में जाना और बिरजू भैया शादी में जाना, तो सब शादी में जाना। हाँ भाई, तो भाई 247 बराती लेके आ जाओ, फिर करते हैं धूमधाम से शादी है। और अब हम मान गए हैं, चलिए सब लोग। अरे रुकिए चीन के पापा, जाने से पहले सब एक साथ मिलकर बोलिए ओके। जो रोतों को हंसाए और दुखियों को कर दे सुखी, वो है वन एंड ओनली चंद्रमुखी।